आगरा कमिश्नरी कोर्ट बार एसोसिएशन के कमिश्नरी बार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर कमिश्नरी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जेके पाठक सहित 6 लोगों पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। ये फैसला कमिश्नरी में आयोजित एक बैठक के दौरान किया गया। आगरा कमिश्नरी कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के ऊपर चर्चा करते हुए कमिश्नरी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन जेके पाठक सहित 6 अन्य लोगों को एसोसिएशन से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। निष्कासित होने वालों में पूर्व चेयरमैन ब्रजेश पाठक के साथ उदयवीर सिंह यादव, गंगा नारायण पाठक, रामकृपाल परिहार, महपाल सिंह बघेल एडवोकेट शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि बार एसोसिएशन में विरोधी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जो भी ऐसा करेगा 24/3/2022 के फर्जी मीटिंग दिखाकर जेके पाठक जी द्वारा अध्यक्ष और महामंत्री पर यह आरोप दर्शाया गया कि वे अधिकारी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जबकि 24 तारीख को जेके पाठक जी कमिश्नरी कैंपस में नहीं आए और उन्होंने ये दर्शाया उसमें 40 मेंबर मौजूद थे। कमिश्नर कोर्ट वारेसन के जो कैंपस में CCTV कैमरा लगा हुआ है उससे अवलोकन आप कर सकते हैं, न तो 40 एडवोकेट कमिश्नरी कैंपस में घुसे उस दिन और न क्या नाम है जेके पाठक जी कमिश्नरी कैंपस में आए। जब जेके पाठक कमिश्नरी में आए ही नहीं तो उस स्थिति में कैसे तो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और कैसे 40 व्यक्ति का नाम प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, घुसे ही नहीं है। तो उन्होंने बार विरोधी गतिविधि की और उसको फर्जी लेटर बिना क्या नाम है मीटिंग के बिना प्रस्ताव पारित किए मेरी छप खराब करने के उद्देश्य से, क्योंकि मैं बार कौंसिल यूपी का प्रत्याशी हूँ, उन्होंने ये सब कसारा कृत किया। तो हमारे खिलाफ जो संरक्षण मंडल ने मीटिंग की है उनको संरक्षण मंडल को मीटिंग करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका पहले हमने लगभग 3-3 को ही स्वीकार कर लिया था, क्यों हमने 24/2 और 23/2/2022 में अपना त्यागपत्र दिया था बार विसर्जन के लिए, तो हमने वो स्वीकार कर लिया, इसलिए उनको मीटिंग करने का अधिकार नहीं था। दूसरा जो हमारे कमिश्नर कोर्ट वारेसन के जो संविधान है, संविधान के अंतर संरक्षक मंडल को भी कोई राइट नहीं है अध्यक्ष और सेक्रेटरी को संरक्षण करने का। उसके साथ भी जेके पाठक और अन्य लोगों की तरह बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।